हेलो दोस्तों, आज हम के बात करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि अगर हमें लुक लाइक बिग बास्केट की तरह वेबसाइट बनानी हो तो हम कैसे बना सकते हैं और उसमें कितना बजट आता है, उसमें इस टाइप की अगर हम वेबसाइट बनाएंगे तो क्या कॉस्ट जाएगा और क्या इसमें क्या एक्सपेंसिव हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, तो ये रिव्यू वीडियो है। आप इस रिव्यू वीडियो में आप देख सकते हैं बिग बास्केट एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के तहत ग्रोसरी के सामान यहाँ पे सेल्स किए जाते हैं, ज़्यादातर जो मेट्रो सिटीज़ हैं उन में वहाँ पे सेल हो रहे हैं। तो इस तरह की अगर हम बिग बास्केट की अगर हम वेबसाइट बनाना चाहें तो हमें इस पर कितना इसमें एक्सपेंसिव आ सकता है, कितना बजट आ सकता है, क्या हम भी कि इस तरह के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, इस तरह के जो बहुत सारे सवाल हैं जो आपके जहन में पनप रहा होगा, तो इन्हीं सारी चीज़ों के सॉल्यूशन के लिए लेकर आया हूँ मैं आपका ये आपके लिए ये वीडियो के, ताकि आपका हम इस तरह के सॉल्यूशन कर सकें। ठीक है, तो जी हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं कि हम बिग बास्केट की तरह से कोई अगर हम वेबसाइट बनाना चाहें तो ये हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम कैसे बना सकते हैं जी। ठीक है, देखिए इसके लिए कहीं से कई एक प्लेटफॉर्म यूज़ किया जा सकता है बिग बास्केट के, अगर यूज़ किया जाए, अगर आप लुक लाइक बिग बास्केट ही की तरह से यूज़ करना चाहें तो हम उसकी तरफ चलते हैं जो किस में आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा इसका मेन्यू बार है, इस तरह का ये सर्च बार है, यहाँ पे इस तरह का वो पूरा ये सब जो चीज़ें आपको दिख रही हैं सेम, अगर इसी एज इट इज़ इस तरह का बनाना हो तो आप कैसे बना सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, आइए हम वो पहले देखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो डिफरेंट मेथड है हम वो भी हम बताएंगे आपको, हम ये भी बताएंगे कि किस तरीके से आप अपना वर्डप्रेस को यूज़ करके भी आप बिग बास्केट जैसे वेबसाइट बिल्कुल ईजिली बना सकते हैं। जी हाँ, तो हम तब सबसे पहले चलते हैं थीम फॉरेस्ट पे। हम थीम फॉरेस्ट पे आएंगे, यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा बिग मार्केट के नाम से आ रहा होगा, ये ओपन कार्ड के सोर्सेज हैं कि जो ओपन कार्ड का यूज़ करके आप इस तरह के प्लेटफॉर्म अगर रेडी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसमें इस थीम के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप, चलिए पहले मैं फीचर्स की तरफ देख लेता हूँ क्या क्या फीचर्स हैं, आप एक मिनट तो इसमें देख सकते हैं क्या क्या फीचर्स हैं। हाँ, लेकिन ये ओपन कार्ड के फीचर्स हैं, आप पहले देख लीजिए ये ओपन कार्ड के फीचर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये एप्लीकेशन में आएगा आपका जो मोबाइल है, आपका जो सिस्टम होगा, चाहे वो मोबाइल में आप एप्लीकेशन बनवाएं फिर भी, या फिर आप चाहें वो करें वेबसाइट बनाएं फिर भी, तो मैं पूरा बताऊंगा इसे क्या क्या इसमें किया जा सकता है इसमें इस मेथड के अंदर। ठीक है, सबके रिव्यू देख रहे हैं, रिव्यू सबका एकदम 5/5 है, रिव्यू इतने ज़बरदस्त उन लोगों ने दिया है और रिस्पॉन्स भी इतने ज़बरदस्त है कि मत पूछिए। जैसे आप यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसमें जो फीचर कैटेगरी, इसमें क्या क्या आप कर सकते हैं, इसमें इस बिग बास्केट की जो लाइक है उसमें आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, आप पहले तो यहाँ पे जान लीजिए जो बनाया गया ये बूटस्ट्रैप के बेस पर बनाया गया है। बूटस्ट्रैप एक प्लेटफॉर्म होता है जो कोडिंग के प्लेटफॉर्म होता है जो रिस्पॉन्सिव काम करता है। रिस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है कि जैसे आप किसी वेबसाइट को आप यहाँ पे देखेंगे अगर मोबाइल की शक्ल में ढालना चाहें तो मोबाइल की शक्ल में ढल जाएगा। जैसे आप भी देखेंगे ये टैब की शक्ल में ढला हुआ है, तो टैब की शक्ल में जैसे आया तो ये सब आइकन दिखने लगा। ठीक है, सेम इसी तरह का अगर ये चीज़ लैपटॉप में जाएंगे तो लैपटॉप में आ जाएगा, तो ये रिस्पॉन्सिव इशू को कहा जाता है। तो बूटस्ट्रैप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के तहत बहुत ही रिस्पॉन्सिव चीज़ें बनाई जा सकती है। इसमें और क्या क्या कर सकते हैं, कैटेगरी के अंदर आप इमेजेस वगैरह डाल सकते हैं, कस्टम फॉन्ट आप डाल सकते हैं, क्रॉस ब्राउजिंग का कैपेबिलिटी इसके अंदर है, इसके अलावा फुल रिस्पॉन्सिव है। ओपन कार्ड की जो थीम है ये ओपन कार्ड में भी और एचटीएमएल में भी दोनों में अवेलेबल है फिलहाल इस टाइम, और आगे जाकर हो सकता है कि वर्डप्रेस में भी आ जाए, में भी पॉसिबल है, बट ये वर्डप्रेस में इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी को नहीं ला जा सकता क्योंकि वर्डप्रेस बहुत स्लो काम करता है और उसमें कस्टमर जो बिगड़ जाते हैं उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती है। मैं आपको ये दिखाऊंगा जो ओपन कार्ड की स्पीड कितनी है। ओपन कार्ड आप यूं समझ लीजिए जैसे कि एंड्रॉयड की दुनिया में मार्केट में वैल्यू है, और जिस तरह से वैल्यू है आपकी एप्पल की मार्केट में वैल्यू है कि एप्पल कुछ ही लोग यूज कर पाते हैं, कुछ जो हाई लेवल के लोग होते हैं वही लोग यूज करते हैं, प्रोफेशनल लोग यूज कर पाते हैं। सेम इसी तरह से यह भी है कि वर्डप्रेस जो आम लोगों के लिए लुक लाइक एंड्रॉयड की तरह से हर कोई छोटा बच्चा बड़ा सब खुद को यूज कर रहा है, बट ओपन कार्ड एक प्रोफेशनल का वे है आपका ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाने के लिए। आप यहां से बड़े अच्छे अच्छे वेबसाइट बना सकते हैं, तो ये बिल्कुल लुक लाइक आप एप्पल की तरह जिस तरह से एप्पल को लोग प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं, राइट। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ड्रीम इतना अच्छा हो, इतना मोटिव आपके हैं कि इस तरह के एप्लीकेशन बनाए, इस तरह का वेबसाइट बनाए, तो आप इजिली बनवा सकते हैं। इसमें एक और फीचर्स ये रहेगा कि ये जो स्लाइड की फीचर्स होगी, स्लाइडिंग के फीचर्स, जैसे आप यहाँ पर ये देख रहे हैं ये यहाँ पर जो स्लाइडिंग फीचर है, ये स्लाइडिंग फीचर, इस तरह के स्लाइडिंग फीचर देख सकते हैं। और यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट्स के ये स्लाइडर भी हो सकते हैं,
होगा। स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए स्लाइडर बनाया जा सकता है, बेस्ट सेलर के लिए स्लाइडर बन सकता है, जिसमें ये चार दिया हुआ है, तीन चार तरह के इसमें प्रोडक्ट्स के स्लाइडर आप बना सकते हैं इजी तरीके से। इसका न्यूज़लेटर कहेंगे, पॉपअप अगर चाहें, ये जो देख रहे हैं ये पॉपअप की बात है, इस पॉपअप की बात कर रहे हैं, तो उस तरह के न्यूज़लेटर वगैरह इसमें किया जा सकता है। प्रोडक्ट्स की क्विक व्यूज़ किए जा सकते हैं, प्रोडक्ट्स की क्विक व्यूज़, जैसे आप ये चाहें कि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट्स ओपन करना चाह रहे हैं, क्विकली ओपन करना चाह रहे हैं, यहाँ पे इस तरह से क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट की क्विक व्यूज़ का इसको कहा जाता है, ठीक है। और साथ साथ इसमें कहिए आप ये भी कर सकते हैं, जैसे ये प्रोडक्ट की क्विक व्यूज़ में ये इस तरह का जाता है, देखिए कितना खूबसूरत सा दिख रहा है। तो खैर ये, और उसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ पे ब्लॉग, आपके पास ब्लॉग भी कर आप करने का इरादा, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं पे ब्लॉग कर सकते हैं। जरूरी होता है ब्लॉग करना, वेबसाइट को रैंक लाने के लिए ब्लॉग करना बहुत जरूरी होता है। टेस्टिमोनियल है, आपका कस्टमर है, कस्टमर का फीडबैक देना चाह रहा है, टेस्टिमोनियल देना चाह रहा है, तो वो भी टेस्टिमोनियल इसमें इजीली दे सकता है, ठीक है। रोल वर्क का प्रोडक्ट्स इमेजेस का अगर आप उसमें राउंड करना चाह रहे हैं, रोल करना चाह रहे हैं, तो आप ये भी चीज कर सकते हैं। प्रोडक्ट इमेज का जूम आउट करना चाहें, जैसे कि मैं आपको देख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे जूम आउट करना चाहें, जूम आउट जूम करके देखना चाह रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा फीचर्स है। इसके बाद सर्च है, सर्च का मॉड्यूल का इसमें बहुत ज़बरदस्त काम करता है, इसका सर्च का जो मॉड्यूल है, अगर आप यहाँ पे कोई दो तीन वर्ड सर्च करेंगे तो दो तीन वर्ड से रिलेटेड जो सर्चेज हैं यहाँ पे देख रहे हैं, दो तीन वर्ड से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं आपके, वो प्रोडक्ट्स आपको ला के रख देगा। आप चाहें तो डायरेक्ट यहीं से आप बाय कर सकते हैं। सेम यही फीचर्स अगर आप बिग बास्केट में देखेंगे तो बिग बास्केट में भी आपको इसी तरह का सेम फीचर दिखेगा, ठीक है। लेकिन बिग बास्केट में क्यों नहीं किया अभी, क्या वो कैच नहीं हो रहा है, क्या लाइव सर्चेज नहीं आ रहे हैं? मे बी शायद इन लोगों ने अभी कुछ चेंज किया होगा, आ नहीं रहे हैं इस नाम से। तो खैर मैं दूसरा कोई सर्च करता हूँ तब देख लेता हूँ। तो पपाया फिर भी नहीं आ रहे हैं, हाँ ये आ गए, ठीक है। तो खैर ये इस तरह का आप लाइव सर्चेस कर सकते हैं, तो हम इन्हीं की बात करते हैं, हम बिग बॉस के भीतर नहीं जाएंगे, तो हम इसमें देखते हैं सब वो फीचर्स। इसका आगे चलते हैं लाइव सर्चिंग के, यहाँ पे ऐड टू कार्ड भी कर सकते हैं, जैसे आपको मैंने यहाँ पे दिखाया कि लाइव टू कर यहाँ पे आप ऐड टू कार्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह का अगर आप फीचर्स की बात कर लें, तो आप यहाँ पे ये अलग-अलग ऑप्शंस की बात है कि ये यहाँ पे प्राइस मॉड्यूल्स वगैरह भी इसमें की चीज़ें बिल्कुल ईजी तरीके से कर सकते हैं। सर्च ऑप्शन में अपडेट्स का कलर वगैरह अपडेट्स करना चाहें तो आप इसमें अपडेट्स किया जा सकता है, ये जो कलर देखे ना ये मल्टी कलर है, ठीक है, तो इस तरह का कलर है, ये अगर अपडेट करना चाह रहे हैं तो आप अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च बार में अपडेट कलर हो गया। इसका कस्टम पेमेंट आइकॉन, अगर आप कस्टम पेमेंट आइकॉन खुद से अपना आइकॉन लगाना चाह रहे हैं तो वो लगा सकते हैं। सोशल इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं अपनी जो ये पेज है उस पेज में आप सोशल इंटीग्रेट करना चाहेंगे, यानी आप अपने क्या नाम है क्या प्रोडक्ट्स के अंदर का आप सोशल के पेज लगाना चाहेंगे तो वो चीज़ लगा सकते हैं। जैसे ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है सोशल इंटीग्रेशन का लगा हुआ है, अगर आप पर पेज पे भी लगाना चाहे, पर प्रोडक्ट्स पे लगाना चाहे, वो भी आप लगा सकते हैं। मल्टी लैंग्वेज है, सबसे अच्छी और ख़ास बात ये है कि अगर आप एक कंट्री में है और एक कंट्री में चाहते हैं कि एक ही चीज़ सेम कंट्री में करा जाए, एक ही चीज़ किया जाए, तो आपके लिए अलग से वेबसाइट बनाने की ज़रूरत नहीं है कि उसके लिए आप अलग से वेबसाइट बनाए, बस यहाँ पे मल्टी करेंसी है, मल्टी लैंग्वेज है, बस लैंग्वेज चेंज कि जब उसके अकॉर्डिंग उस कंट्री के अकॉर्डिंग ढल जाएगा, यानी जो जिस कंट्री में यूज करना चाहे वो उस कंट्री के अकॉर्डिंग लैंग्वेज यूज कर सकता है, करेंसी यूज कर सकता है, डॉलर पाउंड रुपीस INR जो भी चाहे वो कर सकता है, ठीक है। इसके बाद ये है कि इसमें CMS में अनलिमिटेड आप CMS ब्लॉक्स वगैरह बना सकते हैं। ब्लॉक्स के मतलब ये हो गया कि जैसे कि आप यूं चाहे यूं सोचे कि ये जो ब्लॉक्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज वाइज जो आप किया जाता है ब्लॉक्स, जैसे ये एक कैटेगरी है, तो इस तरह के जो ब्लॉक्स होते हैं उस तरह का उसको कहा जाता है कि आप अनलिमिटेड आप जितना चाहे लंबा चौड़ा खींचते चले जाए आप चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रेड लिस्ट का आप व्यू कर सकते हैं, जो ग्रेड लिस्ट है वो आप कर सकते हैं। अनलिमिटेड बैनर स्लाइड लगा सकते हैं आप, यहाँ पे जो बैनर है ये कोई इसके प्रतिबंध जितना चाहे आप लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे सर से मेगा मेन्यू विद फिक्स हेडर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे मेगा मेन्यू किसे कहते हैं, ये आपका क्या नाम है, ये जो बिग मार्केट है ये आपको मेगा मेन्यू कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हेडर को फिक्स भी कर सकते हैं, लुक लाइक सेम उसी तरह जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका फिक्स हो जा रहा है, ठीक है, ये मेगा मेन्यू है और इसका एक फिक्स हो रहा था, सेम इस तरह के फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल है, इसका इस थीम के अंदर अवेलेबल है। प्रोडक्ट्स के जो है आप कह सकते हैं
पैगिनेशन का प्रोडक्ट्स वगैरह जो आप पैगिनेशन करना चाह रहे हैं उसमें प्रोडक्ट्स को क्या मल्टी ट्रैक करना चाहे वो आप कर सकते हैं, मल्टी स्लाइडर करना चाहे उसमें आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। इसके बाद लिस्ट वाइज अगर आप चाह रहे हैं ग्रेड एंड लिस्ट, अगर आप ये इस तरह का चाहते हैं तो आप उस तरह का हो सकता है। यानी इसका मतलब ये है कि आपको मतलब करके दिखा देता हूँ आपको, तो समझ में आएगा कि आप इस तरह अगर लिस्ट वाइज चाहें नंबर वाइज चाहें तो आप इस तरह, क्योंकि ये डेमो वेबसाइट है इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, जैसे ये है ठीक है, ये इसकी बात कर रहे थे, ये आपका ग्रिड हो गया और ये आपका लिस्ट हो गया ठीक है। तो आप जैसा चाहें वैसा आप कर सकते हैं, आपके ऊपर पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से यूज़ करना है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे एक फीचर्स ये भी है कि आप ये यहाँ पे अपना 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो जो भी आप चूज़ करना चाह रहे यहीं पे आप डायरेक्ट चूज़ कर सकते हैं और अंदर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। सेम इस तरह से ईजी टू यूज़ एंड ईजी टू टू कस्टमाइज, कस्टमाइज़ आप ईजिली कर सकते हैं, खुद अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है वेबसाइट डेवलप होने के बाद, थोड़ी बहुत भी कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप इसमें ईजिली काम कर सकते हैं। लेकिन अगर डेवलपर हैं आप खुद करना चाहते तो आपका इसको इजीली आप इसमें खरीद के आप करना चाहे कर सकते हैं ठीक है। यहाँ पे HTML है, इसका फ्री अपडेट्स वगैरह आते रहते हैं, SEO वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी किस्म की चीज़ें हैं। तो आए चलते हम ये तो अब हमने बात कर ली फीचर्स की, अब हम ये बात करते हैं कि इस फीचर्स में हम किस किन तरह की वेबसाइट बना सकते हैं। इसमें आप कुछ भी टाइप का वेबसाइट बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिपेंड करता है इसमें ये मल्टी करेंसी है, मल्टी सिस्टम है। अब इसमें अपना खुद की बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कुछ पार्टनर्स मिलकर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ईजिली आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप वन टाइम पे बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि ग्रोसरी के साथ साथ कुछ और भी आइटम्स रखें तो भी आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे वैसे कि मोस्टली इन्होंने 3 डेमो दिखाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 डेमो दिखाया गया है ऑलरेडी। तो यहाँ पे का हम पहले बात कर लेते हैं, हम फर्स्ट डेमो की, इस वाले डेमो की बात कर लेते हैं, ये ग्रोसरी के लिए, क्योंकि आज की डेट में ग्रोसरी बहुत ज़्यादा चल रहा है, ग्रोसरी को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इस वजह से हम सबसे पहले चलते हैं ग्रोसरी की तरफ और देखते हैं कि ग्रोसरी में हम क्या क्या कर सकते हैं ठीक है। तो मैंने इसके जो पूरी ये थीम था उस थीम का जो मैंने सब कुछ डिटेल्स आपको बता दिया, इसके जो वो फीचर्स हैं जिस हमें क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर ठीक है। तो ये सारी चीजें फीचर्स वगैरह थी। अगर हम यहाँ पे बात कर लेंगे ग्रोसरी की, तो ग्रोसरी का लुक लाइक आप इस तरह से देख सकते हैं कि इसका होम पेज आपको इस तरह से दिखेगा। आप इसमें जो भी चाहे कस्टम करना चाहे, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे जो भी आप बढ़ाना चाह रहे हैं घटाना चाह रहे हैं आप वो इजीली आप घटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका होम पेज होगा या आपका मेगा मेन्यू होगा, सबका ये चीज मैंने आपको एक मतलब दिखा दिया ऑलरेडी। यहाँ पे आपका शॉपिंग कार्ड है, आपका लॉग इन कार्ड है, सॉरी लॉग इन ऑप्शन है ये आपका, यहाँ पे क्या नाम है एक साइनअप का ऑप्शन है। तो यहाँ पे इस तरह से आ जाता है और बिल्कुल ये फास्ट काम करता है, इजी, इतना फास्ट है। अब ये मल्टी करेंसी है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मल्टी करेंसी है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे है। यहाँ पे इसके जो ये चीज़ें दिए गए ये सब चेंज करना चाहे आप इजीली चेंज कर सकते हैं, डेमो इंपोर्ट करना चाहिए डेमो इंपोर्ट कर सकते हैं, और जैसा करना चाहेंगे आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे अच्छी और खास बात यहाँ है कि अगर आप एक वर्ड भी आप सर्च कर लोगे ना, एक वर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, एक वर्ड आप सर्च कर लोगे उस वर्ड से रिलेटेड जितने कम से कम 8-9 प्रोडक्ट्स उस वर्ड से रिलेटेड है सब आ गए। आप चाहे तो यहीं पर अपना कम टाइम ज्यादा काम, मतलब आप कोई चीज खरीदना चाह रहे हैं आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे, बस फॉरन सर्च कीजिए, ऐड टू कार्ट कीजिए, बाय कीजिए, बस डन ठीक है। जैसे अभी ऐड टू कार्ट आ गया और यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट के सिस्टम में आ चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे ये इसके ये प्रोडक्ट्स के व्यूज वगैरह देख रहे हैं, ऐड टू कार्ट वगैरह इसके में चेकआउट कर सकते हैं, सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। चेकआउट यहाँ पे कर सकते हैं एज अ गेस्ट के नाम से, अभी मैं यहाँ से कर लेता हूँ, आप भी कर सकते हैं। इसका जो सैंपल इसका जो प्रोसेस है वो आप बिल्कुल आप इजिली कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पर अपना एड्रेस वगैरह फिल करेंगे, इसके बाद आपका पेमेंट का मेथड आएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एड्रेस भी फिल कर लेता हूँ, मिस्टर आलम यहाँ पे प्रॉपर सारी चीज़ें इसमें डाल दीजिए। यहाँ पे आप कंपनी का नाम डाल दीजिए, अगर आपके पास कंपनी है तो आप कंपनी का नाम डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कैपिटल टेक्नोलॉजी ठीक है। यहाँ पे आप एड्रेस डाल दीजिए, ओखला, मैं यहाँ पर शॉर्टकट डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी टेस्ट करना है, न्यू दिल्ली, यहाँ पे न्यू दिल्ली
ठीक है, ये पिन कोड, यहाँ पे आप अपना कंट्री चूज़ कर सकते हैं। ये जब ये उस वक्त जब आप मल्टी कंट्री ले करें तो ये पॉसिबल है। उसका ये दिल्ली स्टेट आ गया, उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ गया आप पेमेंट का ऑप्शन आ गया। अगर आप कुछ नोट्स लिखना चाह रहे हैं आप लिख सकते हैं। तो अभी इसमें पेमेंट ऑलरेडी के इसमें सेटअप नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, हाँ ये आप कन्फर्म करो, तो यहाँ पर कन्फर्म पे क्लिक करने के लिए आ जाएगा। और कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद ये आपको पेमेंट गेट पे लेकर चला जाएगा। तो इसमें पेयू मनी का पेमेंट गेट अभी लगा हुआ है इस टाइम आपके पास। ये आप देख रहे हैं जिस टाइम, अब ये इस टाइम पेयू मनी का पेमेंट गेट लगा हुआ है। फिर आप यहाँ पे जाके पे, वो मैंने कहा ये डेमो है, आप यहाँ पे चाहे तो आप खुद से पे भी करना चाहे कर सकते हैं। डेमो चीज़ सेट कर रखा है इन्होंने। तो ये डेमो आ गया, यहाँ पे मोबाइल नंबर और मेल आईडी ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर ले, बस यहाँ पे सिर्फ पेमेंट करना रहेगा। जैसे ही पेमेंट करेंगे तो आपका ऑर्डर ये पूरा जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो है ना बड़ा कमाल क्या, और चीज़ के ये अच्छा यूज ही। अगर आप यही चीज़ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपको दूसरे डॉक्टर में स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या फैशन में स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बैग्स वगैरह में स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बट लुक लाइक इसी तरह रखना चाह रहे हैं, रेंज इस तरह से होना चाहे, तो आप बिल्कुल ईजिली आप इसी चीज से आप करना चाहे कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर्स हैं या फैशन डिजाइनर हैं, या फिर आपके ब्यूटी पार्लर्स वगैरह काम करना चाहती हैं, या फिर आप क्या है ब्यूटी के जो वो है प्रोडक्ट्स हैं वो चीज़ यूज़ करना चाहते हैं, डॉक्टर लैब्स हैं वो लैब वगैरह यूज़ करना चाहते हैं, टेस्ट लैब अगर इस तरह बनाना चाहते हैं तो डॉक्टरों के लिए ये है। उसके जो कुछ वैक्सीन वगैरह है, कुछ उसमें के बेबी केयर्स वगैरह का कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, सबके पैर पैर हाथ जो सूजने लगेंगे, उसमें वो होगा क्या नाम है, बदन में जो अजीब जो चीज़ें निकलता है, तो उन सब चीज़ों के लिए पाउडर वगैरह की चीज़ें हैं। तो ये ब्यूटी 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 से रिलेटेड चीज़ें हैं, और डॉक्टर से रिलेटेड जो कुछ भी जो आप डालना चाह रहे हैं, जो चीज़ का करना चाह रहे हैं, आप इजी तरीके से आप कर सकते हैं। इसका मेगा मेन्यू वगैरह देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा दिख रहा है। ये तो रही बात ये कि हम के एक वेबसाइट देख लिया, बट अगर हम बात करें कि नहीं मुझे सिर्फ एप्लीकेशन बनानी है, क्योंकि आज के डेट में मार्केट की वैल्यू की बात कर लें तो मार्केट वैल्यू इसकी जो है बहुत ज़्यादा है, कि मोबाइल एप्लीकेशन लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या मैं चलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ। तो मैं आपको मोबाइल में किस तरह से दिखेगा, अगर आप वेबसाइट मोबाइल में सर्च करेंगे ये, तो वो किस तरह से दिखेगा, और आप जब आपका मोबाइल ऐप होगा तो उसमें किस तरह के दिखेगा, तो मैं आपको वही चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप इस वक्त क्लिक कीजिए, आप इसको मोबाइल का वर्जन बना लेते हैं। ये देखिए मैं मोबाइल का वर्जन मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है, ये बन चुका है। अब यहाँ पर देखेंगे मोबाइल में आपका इस तरह से दिखेगा, ये आपका नेविगेशन बार होगा, यहाँ पर आप प्रोडक्ट्स के पूरी डिटेल देख सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है, ये पूरा डिटेल वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पे आपका सर्च बार होगा, आप सर्च बार में यहाँ पे कुछ भी सर्च कर दो, एक वर्ड भी सर्च कर दोगे ना कोई प्रॉब्लम नहीं सर, आप बिल्कुल इजी तरीके से देख सकते हैं कितना ज्यादा अच्छा है और कितना खूबसूरत सा डिजाइन है एक, ठीक है। ये सब आ गया, देखिए ये मोबाइल में आपका इस तरह से दिखेगा, ठीक। तो अब क्या होम पेज में हम चलते हैं फिर, तो यहाँ पे का आपके मोबाइल का जो और लुक लाइक है, लुक लाइक इस तरह से दिखेगा। सेम यही चीज़ अगर आप बिग बास्केट का देखना चाहेंगे तो आप बिग बास्केट का भी देख सकते हैं। ये आपका बिग बास्केट का है, तो बिग बास्केट में जैसा आपका ऐप में यूज होता है सेम उसी तरह का ये इसका आपका इंटरफेस भी है। यानी जो इंटरफेस आपका ये है, यही सेम इंटरफेस आपको मोबाइल एप्लीकेशन में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं, ईजी तरीके से देख सकते हैं। तो हमारा भी इसे अगर आप करना चाहते हैं, तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते इस तरह के बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको भी सेम उसी तरह का यहाँ पे इंटरफेस दिखेगा जो आपको ऐप में दिखेगा। ये जो फेस दिख रहा है, इंटरफेस दिख रहा है, ये ऐप की फीचर्स दिख रही हैं। मतलब चाहे आप इसको ऐप में यूज कर लीजिए, वेबसाइट में यूज कर लीजिए, मोबाइल में यूज कर लीजिए, मतलब वन प्लेटफॉर्म थ्री काम। आप कहीं से भी चाहिए, कस्टमर आपको हर जगह से आएगा, कस्टमर आपको कहीं पे भी खोजेगा ना, आपको हर जगह मिल जाएगा, चाहे वो गूगल में खोजे मिल जाएगा, आप फेसबुक में जाके वहां से खोजे वहां से मिल जाएगा, ट्विटर में खोल जाए मिल जाएगा, जो मोस्टली जो यूज ब्राउजर जो यूज होते हैं, जैसे कि एप्पल प्ले स्टोर में जाके मिल जाएगा, iOS के उसमें जाके मिल जाएगा। तो आप जहां जहां इसको आप फैलाना चाहेंगे, विंडोज में फैलाना चाहेंगे, यानी डेस्कटॉप के तकल जिस तरह से ये विंडोज अभी दिख रहा है वो भी हो सकता है, सारी चीजें पॉसिबल है। बस आपको क्या है, थोड़ी सी बजट लगानी पड़ेगी, आपका आइडियाज लगाना पड़ेगा, उसी आइडियाज के अकॉर्डिंग आप चीजों को अच्छे से बड़े लेवल तक आप ले जा सकते हैं, ठीक है।
ये हर तरह की है। ये देखिए ये उसका क्या, ये ड्रग मार्केट, अगर कोई यहाँ पे क्या ड्रग मार्केट के हिसाब से काम करना चाहते हैं, यानी कोई क्या नाम एक लैब्स वगैरह का काम करना चाह रहे हैं, या फिर कोई इस तरह से लिक्विड की चीज़ें करना चाह रहे हैं, या फिर कोई इस तरह से कोई ब्यूटी के कोई किन की चीज़ें करना चाह रहे हैं, तो आप ईजी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे देखा टाइमर भी लगा सकता है, कोई ऑफर हो, कोई नया ऑफर हो, उस नए ऑफर के लिए कोई टाइम देना चाह रहा है तो टाइम भी दे सकता है, ईजी तरीके से टाइम दे सकता है, इतने टाइम के लिए ऑफर है, ये आप ज्ञान कर सकते हो, ये कस्टमर को लुभाने के लिए सब चीज़ें होती हैं, तो आप चीज़ें ये भी चीज़ें कर सकते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये एक शूज़ वगैरह के लिए, पैंट वगैरह के लिए, कपड़े वगैरह के लिए भी अगर करना चाह रहे हैं आप, तो भी आप इसमें अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और इसका डिटेल मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया है, ठीक है। अब बात कर लें, ये तो आपका क्या नाम है, वेब ब्राउजर की बात हो गई, लेकिन अगर हम बात कर लें अगर क्या हम के मोबाइल ऐप में किस तरीके से काम करेगा ये, तो हम मोबाइल ऐप की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये मोबाइल ऐप में किस तरीके से काम करता है, ठीक है। यहाँ पे अब हम आ जाते हैं मोबाइल ऐप की तरफ, और यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं अपना मोबाइल के इससे, और कनेक्ट करके देखते हैं कि हमारा मोबाइल ऐप जो किस तरीके से काम करता है, नहीं करता है, ऐप में किस तरीके से काम करेगा ये। तो हम ऐप इंस्टॉल करते हैं, हमें ये डेमो ऐप है, ये डेमो ऐप हमने डेवलप की है, इसकी आप इसका डेमो ऐप देख सकते हैं, देखने में आपको पता चल जाएगा किस तरीके से डेमो ऐप आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम चलते हैं कि स्टार्टिंग से चलते हैं और इसमें देखते हैं कि पहले इंस्टॉल करते हैं ऐप को, ओपन कर लेता हूं मैं इस ऐप को, और ओपन करने के बाद यहां पे ये डाउनलोड, तो जी हाँ ये ऐप डाउनलोड हो चुका है, मैं इसका कुछ सेटिंग कर लेता हूँ। ये सेटिंग करने के लिए कह रहा है, आपके भी पूछ सकता है, आपको भी पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, इंस्टॉल करके देखता हूँ कि ऐप में किस तरीके से दिखेगा और इसका इंटरफेस किस तरीके होगा, वो चीज़ मैं यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ। ये यहाँ पे एक पहले इसका लोगो आ जाएगा, लोगो आपका जो भी आपका कंपनी का नाम होगा उसके हिसाब से आपका लोगो आएगा, फिर इस तरह से ये इंटरफेस आएगा, ये वेजिटेबल के लिए इस तरह से आएगा, फिर एक स्पेशल ऑफर आ जाएगा, यहाँ पे आप कोई कूपन्स वगैरह हो या फिर कोई डिस्काउंट्स वगैरह हो आप यहाँ पे इजीली आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका मोबाइल का ऐप का इंटरफेस है, आप बिल्कुल ईजी देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा इंटरफेस है और कितना ज़बरदस्त है और देखने में कितना अच्छा लग रहा है। आप ये इस तरह का इंटरफेस आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो अगर अभी कुछ डालना चाहें स्लाइड की जगह में ऊपर वो भी डाल सकते हैं, तो ये आपका इंटरफेस है। मैंने आप जैसे कोई बंदा अगर सर्च करता है ब्राउजर में या कोई बंदा आपको मोबाइल यूज करता है तो इतना ज्यादा ये रिस्पॉन्सिव है, इतना ज्यादा क्या नाम है यूजर फ्रेंडली है कि यूजर को ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो वेबसाइट यूज कर रहा है या मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर रहा है, मतलब उसको कोई फर्क नहीं कर पाएगा, वो इतना ज्यादा इसमें यूजर फ्रेंडली है कि आप उसमें यूजर जो इतना इसमें देख के इतना खुश होगा ना कि आप बात करेंगे हाँ चलो कुछ बना हुआ है, ठीक है। अब इसको देखेंगे, ओपन करेंगे और ये सी बिल्कुल फास्ट काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब किसी को इसमें जाएंगे देखें कितना खूबसूरत से कैटेगरी है, ठीक है। इस तरह का कैटेगरी आप दिखा सकते हैं अपने यूजर को, आप चाहें अगर लिस्ट वाइज करना चाहें तो लिस्ट वाइज कर सकते हैं, ये लिस्ट वाइज आ गया, ठीक है, ये वन बाय वन का आ गया, तो आपके ऊपर है जैसा चाहेंगे यूजर जिस तरह चाहेगा जैसा चाहेगा जिस टाइप से चाहेगा वो यूज कर सकता है। यहाँ पे देख रहे हैं अच्छी खूबसूरत ये, अगर आप चाह रहे हैं कि हाईलाइटेड किसी प्रोडक्ट चाहिए या फिर आप ये चाह रहे हैं कि सिर्फ ए टू जेड नेम वाइज चाहिए या लो रेट की प्राइस चाहिए, बस आप सिर्फ वन क्लिक पे क्लिक कीजिए और उसी के अकॉर्डिंग पूरा आपके अकॉर्डिंग ढल जाएगा, जहां ये आपका इस तरह से या अभी ए टू जेड ये नेम के हिसाब से आ गया। अगर आप यही चीज अगर आप चाहते हैं कि इसका हाईलाइटेड के हिसाब से करें तो ये एप्लीकेशन फीचर्स हैं, राइट। ये जो दिख रहा है आपको फीचर्स, ये आपको एप्लीकेशन में दिख रहा है, आपको इस तरह से वेबसाइट में भी फीचर्स, एक मिनट देख लेता हूँ, है ही नहीं है मेरा ख्याल से, ये होना चाहिए ऐसा फीचर्स इसके अंदर भी, वेबसाइट के अंदर भी, एक मिनट, यहाँ पे जैसे वेबसाइट में हम देख रहे हैं कैटेगरी, कोई सा भी कैटेगरी देख रहा हूँ तो हाँ यहाँ पे भी है, ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप कहीं पे भी यूज़ करना चाहे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं, हम बात कर रहे थे ऐप की, तो ये बड़ा अच्छा खूबसूरत सा डिज़ाइन है, जैसे अगर हमें एक प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप यहाँ से कोई भी खरीद लीजिए, इसमें आप ऐड टू कार्ट कीजिए, ऐड टू कार्ट कर आ गया और आगे का आप प्रोसेस जो है सेम उसी तरह से करेंगे जिस तरह से आपका अपने का उसमें वेबसाइट का था, ठीक है। तो सेम इसी तरह का प्रोसेस है, ठीक। तो वह मैं कहने की बात ये थी कि अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये बिल्कुल ईजी तरीके से आप स्टार्ट करना कर
सकते हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं हम कि ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे बिग बास्केट की तरह से, हम ग्रोसरी की एप्लीकेशन हम बनाएंगे, वेबसाइट्स बनाएंगे, लेकिन इसका बजट क्या आएगा? जी हाँ, ये बजट पे बहुत ज़्यादा लोग फंस जाते हैं। बजट में बहुत ज़्यादा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करोड़ों रुपये डिमांड कर देते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं लाख रुपये डिमांड कर देते हैं। हाँ, ये बिग बास्केट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मैं मानता हूँ, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन इतना भी नहीं कि आम लोगों के वो बस से बाहर चले जाए। जी हाँ, नहीं इतना भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर आप खुद एक डेवलपर हैं तो आप अगर अच्छे से इसे करना चाहें तो आप इजी तरीके से कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे उसको, आप इजी तरीके से कर पाएंगे। बट अगर डेवलपर नहीं है तो आपको क्या है, अगर आप डेवलपर हैं तो आप यहां से कोड वगैरह बाय करके आप यहां पे ले सकते हैं चीज़ें, आप यहां बाय करके आप चीज़ों को यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप डेवलपर नहीं हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करवा सकते हैं, हमारे पास पूरी टीम है इसके लिए, हमसे कॉन्टैक्ट करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करवाएंगे तो क्या कॉस्ट जाएगी, तो वो आप इसका अंदाजा कर सकते हैं कि इसे कॉस्ट क्या जाएगी। इसे कॉस्ट नॉर्मल आएगी, हाँ डिपेंड करते हैं आपके ऊपर कि आप इसमें कितना चेंजेस कराना चाह रहे हैं। कुछ मॉडिफिकेशन की चेंजेस है, अगर कुछ करना में वो है इजाफे की जरूरत है, लेकिन अगर कुछ चेंजेस नहीं है आपके, कुछ भी चेंजेस नहीं है, तो अराउंड जो इस पे आपको 50 से 60 के अंदर अंदर ये फाइनल हो जाएगा एज इट इज। सब सारी चीजें इस तरह की, अगर आप जा रहे हैं तो कोई चेंजेस नहीं जा रहे तो अराउंड इस तरह से करना में फाइनल हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें ऐप भी बनवा सकते हैं, मोबाइल ऐप भी इसी टाइप से बनवा सकते हैं, आप उसमें क्या वेबसाइट भी बनवा सकते हैं, ठीक है। अराउंड अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन की बात कर लें तो इस तरह के मोबाइल, अगर सिंगल अगर आप पूछेंगे सिंगल कितना कॉस्ट आएगा, देखिए सिंगल कॉस्ट इसका ज़्यादा चला जाएगा, बहुत ज़्यादा चला जाएगा। अगर आप अकेला मतलब सब एक साथ बनाएंगे तो आपको नॉर्मल कॉस्ट पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मल कॉस्ट अराउंड 1 लाख के नीचे तक ये पूरा फाइनल हो जाएगा, यानी आपका एक वेबसाइट, आपका क्या नाम है कि एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन, आपका एक ISO एप्लीकेशन, इंक्लूडिंग 1 लाख के अंदर ये सारी चीज़ें आपको फिनिश हो जाएंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ वेबसाइट बनाऊंगा तो वेबसाइट बनाने के लिए आप उसमें कम कॉस्ट आएगा, ज़्यादा कॉस्ट ज़्यादा नहीं जाएगा उसमें, नहीं जाएगा इसमें अराउंड वही आपका इसमें, क्योंकि इसमें एक बूटस्ट्रैप का यूज़ किया गया, इसमें कोडिंग से करनी पड़ती है, इसलिए ये चीज़ें आप ईजी तरीके से आप करना चाहें कर सकते हैं। तो ये अराउंड का अगर आप सिर्फ वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो 40K का अराउंड इसमें आपका कॉस्ट जाएगा, इसके बजट जाएगा अगर हमसे आप डेवलप करवाते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप क्या नाम है कि सिर्फ एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनवाते हैं तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन का अराउंड आपको जाएगा 50 से 60K के अंदर जाएगा, 50 से 60K मतलब 50 to 60K आपके पास जाएगा, मतलब 1000, ठीक है, 60 to 50K के आसपास जाएगा, यानी 50-60 हज़ार के अंदर अंदर ये चीज़ें बिल्कुल क्लियरली हो जाएगा आपका एप्लीकेशन वगैरह, ठीक है। तो बेटर यही है कि आप एक साथ सब कुछ काम करें, ज़्यादा फर्क नहीं होता है एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों मिला के, एप्लीकेशन से वेबसाइट दोनों मिला के अगर आप बनाना चाहेंगे तो 60-70 के अंदर अंदर ये पूरा फाइनल हो जाएगा। अराउंड ये है, इसमें हम आपको 200 प्रोडक्ट्स हम अपनी तरफ से डाल के देंगे, अराउंड 200 प्रोडक्ट्स वेजिटेबल की, फ्रूट्स की, ये सारे जो प्रोडक्ट्स अगर आप ग्रोसरी की चीज स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो 200 प्रोडक्ट्स हम अराउंड डाल के देंगे। अगर आप बात कर लें कि हम वो प्रोडक्ट्स कहाँ हैं, किस टाइप की है, तो मैं आपको भी दिखा दूँ वो प्रोडक्ट किस टाइप की है, किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, आप देखना चाहें ग्रोसरी के बिल्कुल ईजी तरीके से देख सकते हैं। वो सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, वेज वगैरह हैं, और इसी तरह से जो भी चाहिए आपको अराउंड 200 तक का प्रोडक्ट्स हम इसके अंदर इंक्लूड करके देंगे। आप 200 प्लस जैसे प्रोडक्ट पे जाओगे तो उसमें आपका अलग से कॉस्ट पड़ेगा, उसमें जो भी आपका एक कॉस्ट बनता है तो उसका एक कॉस्ट बनेगा। जैसे आप वेज की देखना चाहे वेज की देख सकते हैं, फ्रूट की देखना चाहे फ्रूट की देख सकते हैं, ड्राई फ्रूट की देखना चाहे ड्राई फ्रूट की देख सकते हैं, दाल्स वगैरह की देखना चाहे ये ड्राई फ्रूट्स के, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी चॉइस किस में, जैसे ये वाले देंगे वेज की है, कितने खूबसूरत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे DSLR कैमरे से लिए हुए हैं, खुद के हमारे फोटोज हैं, आप इन चीज़ों को यूज़ करना चाहे आप यूज़ कर सकते हैं, क्या नाम है, अगर आप चाहते हैं कि डाला जाए तो ये चीज़ें भी की जा सकती हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे ये डाल सौर की बहुत खूबसूरत इमेजेस वगैरह हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हम इसमें इंक्लूड, इस टाइप की जो प्रोडक्ट्स हैं आपकी प्रोडक्ट्स होंगी ये हम आपको डाल के देंगे, ठीक है। तो ये तो रही बात इन चीज़ों के बारे में, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं अगर हमें ये सारी चीज़ें एक ही टाइम में एक चीज़ों में करें तो कितना टाइम लग सकता है, टाइम मैनेजमेंट की बात बताएं। इतनी बात तो बात हो गई, लेकिन अगर हम इसमें टाइम मैनेजमेंट की बात कर लें तो टाइम मैनेजमेंट इसमें अराउंड आपको जो हमारे डेवलपर को जो लग सकता है वो 20 से 25 दिन के अंदर अंदर अराउंड इस तरह के टाइम लगेगा, ज्यादा महीने रोज भी जा सकता है, लेकिन हम क्विकली चाहेंगे कि इसको आपको वो कर देंगे, डिलीवर कर देंगे, सारा काम करके डिलीवर कर देंगे, ठीक है। तो खैर, आप में से कोई भी किसी को भी अगर आप
एज ए डेवलपर हैं, सीखना चाहते हैं तो भी आप सीख सकते हैं, सीख के यहाँ पे देख सकते हैं, चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे एक बनवानी है, आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं ग्रोसरी की इस टाइप से, तो आप वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। कि जिस भी टाइप की आपको हेल्प की ज़रूरत हो तो आप हमें हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कॉन्टेक्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई कॉन्टेक्ट के कोई चार्जेस नहीं होते, किसी पूछताछ के कोई चार्जेस नहीं होते, किसी इंक्वायरी के चार्जेस नहीं होते, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जब चाहें जिस टाइप चाहें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारा हमें एक व्हाट्सअप करके आप ये कर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बाहर हैं, आउट ऑफ इंडिया, इंडिया से बाहर हैं, तो आप इंडिया से बाहर को वहाँ पे आप डायरेक्ट स्काइप कर सकते हैं। हमारा स्काइप और व्हाट्सअप दोनों नंबर एक ही है, मैं वीडियो के नीचे भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी आप देखना चाहें देख सकते हैं। ठीक है, अब आपके जहन में कोई सवाल, कोई सुझाव या कोई ऐसी ट्रिक्स जो आपके पास है वो अगर आप देना चाहें, हमसे पूछना चाहें, तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली, अपने फ्रेंड के अकॉर्डिंग आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा कि जो भी कोई आपका सवाल आएगा उसका मैं जवाब दूँ और उसकी चीज़ें का मैं सॉल्यूशन करने की कोशिश करूं। हाँ, एक सवाल जो इसमें बनाया जा सकता था या बन सकता था कि क्या ये इसमें हम लोकेशन डाल सकते हैं। जी हाँ, लोकेशन डालने की बात करें, इसमें लोकेशन की फीचर्स नहीं है। आप यहाँ बिग बास्केट पे जाएंगे तो बिग बास्केट पे दिखेगा जो लोकेशन आपको यहाँ पे पहले चूज़ करने के लिए बोलता था, लेकिन अभी नहीं का अभी शायद उन्होंने रिमूव कर दिया है। जैसे आप व्हाट्सएप में एंट्री करेंगे तो एंट्री करने के टाइम आपको बिग बास्केट में पहले आपको लोकेशन चूज़ करने के लिए कहा जाता था। तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये भी पॉसिबल है, वो एक्स्ट्रा चार्जेस में आ जाएगा आपका। यहाँ यहाँ पे देखिए, ये लोकेशन है, ये आपका लोकेशन, इन्होंने कौन कौन से लोकेशन पर अभी फिलहाल ये डिलीवर कर रहे हैं, जिस तरह के लोकेशन अगर आप चाहें तो आप भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर अपने पिन कोड के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज कि मैं यहाँ पे आपके दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली में इसमें देख रहा हूँ कि दिल्ली में इसमें है या नहीं है दिल्ली, ये दिल्ली है। अब इसमें मेरा पिन कोड है, इस पिन कोड में ये अवेलेबल है या नहीं है, तो मैं यहाँ पे सर्च करके मैं देख सकता हूँ इसको कंटिन्यू। ये जैसे मैं कंटिन्यू किया तो यहाँ पे ये दिखा दिया, कुछ एरर दिखा रहा है, शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम होंगी, ये काम नहीं कर रहा होगा, तो खैर ये हो सकता है ये टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन अगर आप ये चाहें किस तरह से चाहें तो वो भी पॉसिबल है। और इसका एक दूसरा सैंपल में जो लोकेशन का है, क्योंकि लोकेशन बहुत ज़्यादा डिफेंड में वो करता है, आज के डेट में माने रखता है कि उस लोकेशन के अकॉर्डिंग जो है कस्टमर जो अपने हिसाब से करते हैं। जैसे इसका है ज़ेफ्रिश का है, ज़ेफ्रिश बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लुक लाइक आपका बिग बास्केट की तरह, ये मीट शॉप वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, ये मीट शॉप अगर आप उस वाले इसमें बनाना चाहेंगे, इसमें भी बनाना चाहेंगे तो आप बना सकते हैं, बिल्कुल इजी बना सकते हैं। ये जो जैसे लोकेशन देख रहे हैं, ठीक है, तो इस टाइप की जो आपकी एरिया वाइज जो लोकेशन है उस एरिया वाइज के अकॉर्डिंग आप चूज करना चाहें कर सकते हैं, बिल्कुल ईजिली करवा सकते हैं। तो इसका एक्स्ट्रा कॉस्ट आपका चार्जेस जाएगा। ठीक है, तो खैर कोई इशू नहीं, आप जिस टाइप की भी चाहिए, जैसा भी चाहिए, आप बिल्कुल हम इसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास सब छोटी चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन वो लोग जो आप ये चाहते हैं कि हमारे पास इतने बजट नहीं है कि हम इस टेक्नोलॉजी पे जाएं, तो क्या हम इस तरह के डिजाइन वर्डप्रेस में कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल इजी तरीके से आप वर्डप्रेस में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसी तरीके से करेंगे और मैं आपको करके भी दिखाऊंगा ये वर्डप्रेस में आप किस तरीके से करेंगे। मेरे पास एक क्लाइंट आया हुआ है ऑलरेडी, इसका यूएस का क्लाइंट है, वो तो वो क्लाइंट आया हुआ है ऑलरेडी, उस बंदे का हमें ये सेम इस तरह का डिज़ाइन वर्डप्रेस में करके देना है। आप अगर वो चीज़ देखना चाहेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ जो वो किस तरह का डिज़ाइन होगा। ये डिज़ाइन उसने सैंपल बना के भेज दिया है ऑलरेडी, हमें इसी तरह से डिज़ाइन करके उनको देना रहेगा। ये डिज़ाइन है, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये डिज़ाइन इस तरह से डिज़ाइन है, इस तरह का डिज़ाइन जो हमें उसको करना पड़ेगा, तो वो भी मैं डिज़ाइन करूँगा। करने के बाद अगर आप चाहते हैं, जानना चाहते हैं जो आपने कैसे किया है, आप किस तरह से हम वर्डप्रेस में कर सकते हैं, इनके बारे में अगर आप डिटेल से जानना चाहेंगे, अगर आप डेवलपर हैं तो जानना चाहेंगे, तो आप बिल्कुल हमसे जान सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हम लेकर आएंगे आपको बताएंगे, तो यही हम बताएंगे वर्डप्रेस में हम किस तरह से करेंगे। वर्डप्रेस में अगर आप करेंगे तो उसमें नॉर्मल कॉस्ट में आ जाएगा। वर्डप्रेस में अगर आप यही चीज़ें सेम यही डिज़ाइन अगर आप करना चाहेंगे तो उसमें अराउंड 20 से 25 हजार के अंदर आपका सब चीज फाइनल हो जाएगा, डोमेन होस्टिंग,
और आपके कई सारे प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, सारी चीज़ें इंक्लूडिंग आ जाएंगे। लेकिन अब जो हम अब लॉकडाउन के जो ऑफर चल रहे थे, इस ऑफर में हम जो सिर्फ और सिर्फ 10,000 में हम ऑफर पे कर रहे हैं, क्योंकि हम इसमें डोमेन और होस्टिंग के कॉस्ट बिल्कुल नहीं लेते। जो डोमेन और होस्टिंग अराउंड उस पर चला जाता है 5,000 के आसपास जा रहा है, तो ये डोमेन और होस्टिंग एक साल तक हम अपने यूज़र को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, उनको यूज़ करने के लिए देते हैं। लेकिन यही कॉस्ट दूसरे साल उनको लगेगा 5,000 रुपये, उसको ईयरली चार्जेस लगेगा, मेंटेनेंस चार्ज वगैरह लगेगा, ठीक है। तो वो हम उसमें SSG वगैरह होस्टिंग देते हैं। खैर, कुछ भी हो, किसी तरह की चीजों की रिक्वायरमेंट हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें स्काइप कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।